कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोरोना वॉरियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और टीके लगवा रहे हैं। डूंगरपुर की कोरोना वॉरियर आशा सहयोगिनी कमला रोत ने अनूठी पहल की है। कमला ने जिले के कोचरी पंचायत में टापू पर बसे दात सलाखड़ी गांव में खुद नाव चलाकर मेडिकल टीम को पहुंचाया और 11 लोगों को वैक्सीनेशन किया। चिकित्सा विभाग की ओर से इस सराहनीय कार्य के लिए 15 अगस्त को कमला रोत और टीम को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। सड़क की सुविधा नहीं थी और वैक्सीन के लिए मेडिकल विभाग को बुलाया, वैक्सीन करना है बेटफला में, यूं करके वो आए और हम गए वहाँ बेटफला में। वहाँ सड़क की सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं उनको लेके मैं खुद ही नाव चला के गई थी। नाव चलाने वाला कोई नहीं था तो मैं गई थी हेरफला सलाखड़ी से बेटफला गई नाव चला के, फिर सुरक्षित दो किलोमीटर हेरफला से बेटफला दूर है, वहाँ से मैं वापस आई सुरक्षित उन लोगों के वैक्सीन करके। वहाँ सलाखड़ी में जो टीकाकरण नहीं हुआ है उसको करवाने के लिए हम हमारी टीम की तरफ से हमारे PHC कोचरी की सलाखड़ी तक पहुँचे। वहाँ जाने के लिए कोई सड़क है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाने के लिए आशा सहयोगी से राय ली कि हम वहाँ जाने के लिए क्या किया जाए। तो वहाँ से आशा सहयोगी ने अपना संघर्ष दिखाया कि हम वहाँ जाके नाम मैं खुद चलाऊंगी और वहाँ लेके मैं आपको पहुँचाऊंगी पूरी मेडिकल टीम को। 1 अगस्त को हम मेडिकल टीम आशा सहयोगी घर पे आए और उन्होंने संपर्क कर रखा था, फिर हमको टीका लगाना था बेटफला ओडाफला, फिर आशा सहयोगी हमको लेकर बेटफला ओडाफला गए। वहाँ से हेराफला बेटफला और ओडाफला 2 किलोमीटर दूरी है और हमारी आशा सहयोगी खुद नाव चलाते हैं, इसलिए कोई घबराए भी नहीं और आराम से हमको लेके गए और हमने 11 लोगों को टीकाकरण किया। PHC कोचरी के अंतर्गत आने वाले सलाखड़ी गांव के पास में बसे टापू, जहां पे 12 महीने वहां पानी रहता है चारों ओर और वहां एक टापू बना हुआ है, तो टापू पर कुछ लोग रहने की मेरे को सूचना मिली थी। इसी के आधार पर वहाँ के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को वहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवगत कराने तथा वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित किया। आशा सहयोगिनी कमला रोत जो कि खुद ही नाव चलाकर उनको वहाँ पे चिकित्सा टीम को वहाँ तक ले गई टापू पे और वहाँ पे अभी 11 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। खुद नाव चलाकर लोगों को वहाँ तक मतलब चिकित्सा टीम को वहाँ तक ले गई, तो उसके लिए उसका नाम हमने जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित होने के लिए नाम प्रस्तावित कर दिया गया है।